आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। लास्ट एनालिसिस जो हमने 4 दिन पहले की थी, हमने बोला था कि प्राइस ओवरऑल ये एबीसी पैटर्न में जा रही है नीचे। हम ये एक एक्सपेंडिंग फ्लैट स्ट्रक्चर मान रहे थे और हम बोल रहे थे जैसे ये सी वेव ओवर होगी, प्राइस एक बार फिर से ये इस लेवल के ऊपर जाएगी जो इस टॉप को क्लियर करेगी। हमने आगे एक और चीज बताई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने बोला था कि ये जो अभी सी वेव ओवर नहीं हुई, प्राइस 1 2 3 स्ट्रक्चर में है और यहाँ पे एक अपसाइड मिलेगा जो फोर्थ वेव होगी, उसके बाद फिर से एक फॉल आएगा जो फिफ्थ वेव होगी और फिर एक अपसाइड मिलेगा। तो हम अगर आप प्राइस को देखें, हम इस पॉइंट पे थे उस टाइम पे, यहां से देख सकते हैं यहां से एक अपसाइड आया जो फोर्थ वेव का था, फिर एक डाउनसाइड आया, 5 वेव्स कंप्लीट हो गई पर यहां से एक अपसाइड आया। और अगर आप यहां पे मैंने जो लेवल दिए थे वो था ये इस पॉइंट के ऊपर जो है 1446 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज प्राइस उसको टैग करते हुए फिर से एक मूव डाउन दे चुकी है। तो हमने जितना टारगेट मिनिमम टारगेट रखा था वो अचीव हो चुका है और हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो चुकी है। तो आगे की बात करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल हमने ये हम इसमें थोड़े डिटेल में और चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मिली थी, उसके बाद हमें यहाँ पे ये हमने बोला था कि ये करेक्टिव पैटर्न है, ये शार्प मूव डाउन था तो ये ए वेव है। इसके बाद हमें ये जो सेकंड मिली ये करेक्टिव वेव थी, ये बी वेव थी और ये हमारी सी वेव थी। अब सी वेव इंटरनली आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वेव्स होती है, जैसे ये एक वेव है और ये एक वेव है। इस वेव में भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक एक ये देखिए ये एक मूव है, इसके बाद एक फॉल आया और यहाँ पे ये एक अपसेट आया। फिर से ये जो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे बोला था कि ये अपसेट आया क्योंकि ये करे मतलब ये इनकम्प्लीट था स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद एक फॉल एक्सपेक्टेड था और वो हुआ है। और यहाँ पे अगर हम दोनों इस डाइवर्जेंस चेक करें तो उस हिसाब से यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो हम इसको अगर लेबलिंग करेंगे सी की इंटरनल को तो ये डब्ल्यू एक्स और वाई है। जब भी यहाँ डाइवर्जेंस नहीं होती तो हम उस स्ट्रक्चर को डब्ल्यू एक्स वाई बोलते हैं और ये सी वेव का इंटरनल लेबलिंग है। अब आगे बात करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव लग चुकी है तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर से हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 मिनट में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा क्या मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो हमने यहाँ पे ये पहला ये हायर हाई जो था वो लग चुका था, तो हम बोलते हैं हमेशा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सके जो ब्रेकआउट भी आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक करेक्टिव भी करेक्टिव उसमें करेक्टिव स्ट्रक्चर भी बना था। तो ये जरूरी रहता है कि अगर जो ब्रेकआउट है उसके साथ करेक्टिव पैटर्न भी एक मिले आपको, तो ये हमें क्या बोलता है कि एक इम्पल्स है, उसके बाद करेक्टिव वेव लग चुकी है और एक और इम्पल्स लग चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इम्पल्स के जो रूल्स होते हैं कि फोर्थ वेव प्राइस एक्शन में नहीं आना चाहिए, जो फर्स्ट वेव है वो हम देखते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें ये पहला वेव था जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहां से फॉल आया था पर आप देख सकते हैं ये जो फोर्थ वेव का फॉल आया ये इस एरिया में नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहां से आप देखे तो एक वेव लगी थी जिसमें 1 2 3 4 और ये 5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोर्थ वेव है ये फर्स्ट वेव के प्राइस एक्शन में नहीं आई है, तो ये सारे इम्पल्स के रूल्स फॉलो कर रही है। और जैसे ये फोर्थ वेव के ऊपर प्राइस गया तो यहाँ पे ये बुलिश साइन था फर्स्ट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ चुका था। और यहाँ पे हम अभी तक अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे इम्पल्स करेक्टिव स्ट्रक्चर, फिर से इम्पल्स, फिर से यहाँ छोटा सा करेक्शन लगा है, फिर से एक इम्पल्स लगा है। अब यहाँ का जो प्राइस एक्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ट्रेंड लाइन को एक बार मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, उसके बाद फिर से ये अप मूव आया। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में एक डाइवर्जेंस बना था 5 मिनट के चार्ट में, ये डाइवर्जेंस मोमेंटम दिखाता है हमें। तो जैसे ये दिखाता आप देख सकते हैं ये हमारे प्राइस स्ट्रक्चर जो हमने मिनिमम टारगेट रखा था इस पॉइंट के ऊपर आया।
तो ये जैसे ये टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी बना है, तो हम मिनिमम टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद ये डाइवर्जेंस, तो ये प्रॉफिट बुकिंग साइन ही है, और यहाँ के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। अब आपको ये कल क्या हो सकता है, जैसे अगर समझ लीजिए ये एक शार्प मूव डाउन है, इसके बाद अगर हमें ये जो ये स्ट्रक्चर है, अगर ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर हो और अभी दिख रहा है, जैसे ये ए वेव वगैरह मान ले, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है जो बी वेव होगा, ये बी वेव के बाद हमें एक सी वेव मिलेगा जो इस पॉइंट के नीचे मिनिमम जा सकता है, बट अभी भी ये बी वेव ओवर नहीं है, तो यहां से अगर समझ लीजिए ये टॉप में फिर से इसको ब्रेक कर देता है, तो ये एक बुलिश केस बन जाएगा, और फिर उस केस में ये फॉल के बाद जो ये सी का फॉल आएगा, उसके बाद फिर से आप एक और अपसाइड इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें बेयरिश केस कौन सा हो जाएगा, कि जिस केस में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस फिर से इस पॉइंट के नीचे आ जाए, तो वो केस क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, इस वेव की जो करेंट वेव है उसको आप अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हम इसके 61 जो परसेंट है उतना हम नोट कर लेते हैं, तो अराउंड 1409 है, तो ये लेवल जब हम रिट्रेस इसको, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल की ये जो स्ट्रक्चर है इमिजिएटली ऐसा कर दें और इस पॉइंट को निकाल दें इमिजिएटली, क्योंकि अगर ऐसा होता है और इसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल गया, तो आप समझ जाना प्राइस और नीचे आएगा, क्योंकि ये 61.8 तक डायरेक्टली फॉल नहीं होना चाहिए, स्लो करके जैसे ऐसे ऐसे करके कुछ आए तो अलग बात है, तो आप बाई सेटअप फिर देख सकते हैं, लेकिन अगर समझ लीजिए डायरेक्टली ये ब्रेक कर देता है तो वो एक बेरिश साइन होगा, और क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर ऐसा डायरेक्टली ये ब्रेक कर देता है ये सारे लेवल्स, तो फिर ये एक बेरी सेटअप बन जाएगा, बट एज ऑफ नाउ हमें ये लग रहा है यहाँ पे कि ये एक जो यहाँ से यहाँ तक का मूव है उसके लिए एक करेक्टिव पैटर्न बनेगा, और फिर एक और बार इस पॉइंट के ऊपर जाए जा सकता है प्राइस। तो हम एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं, जो आज का मूव आया है, जो हमारा मिनिमम टारगेट है, ऑल दो वो अचीव हो गया था यहाँ पे, बट यहाँ से यहाँ तक भी एक स्ट्रांग मूव है अभी, तो इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिले हमें, और फिर यहाँ पे फिर से एक अपसाइड मिल सकता है, जो एटलीस्ट इस पॉइंट के जो आज का हाई है उसको क्रॉस करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं कैसे वेव एनालिसिस करते हैं, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।